दिल्ली से कोटपुतली जाते समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का नेशनल हाईवे नंबर 8 पर ईपीआईपी नीमराना के पास कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव और बस्तीराम यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी, भारत विजय जाना हो। इस दौरान पत्रकार वार्ता में राजस्थान प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर कार्य कर रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी में जाकर हर मतदाताओं से मिलेंगे, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 200 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर पर कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराने का है, यही उद्देश्य है मेरा बूथ मेरा गौरव का। आज कांग्रेस पार्टी जो प्रायोरिटी है वो है कि बूथ लेवल के वर्कर्स को किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ के उसको इतना मजबूत कर दिया जाए, उसको इतनी जानकारी और प्रशिक्षण के द्वारा उसको इतना मजबूत कर दिया जाए ताकि वो लोगों की बातों को अच्छी तरीके से समझ सके और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को एक एक घर में जाकर लोगों तक पहुँचाने का काम कर सके। उसी क्रम में आज हमारा कोटपुतली और विराटनगर में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने अलवर से शुरू किया था, आज हम कोटपुतली में और विराटनगर में करने जा रहे हैं और इसी प्रकार के सारे कार्यक्रम चारों जोन में जो हमारे सेक्रेटरी AICC हैं वो लगातार कर रहे हैं और आने वाले एक महीने में हमारी ये कोशिश है कि 200 विधानसभाओं में हम मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम को अंजाम दे सकें और वहां पर लोगों को प्रशिक्षित कर सकें किस तरीके से अपनी भावनाओं को कांग्रेस पार्टी विचारधारा को एक एक लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकें। यादव से पूछने पर कि राजस्थान में चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर उन्होंने बड़ी सफाई से जवाब देते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर लड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ स्थिर सरकार भी बनाएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में ही हमारा जो चुनाव है वो लड़ा जाए। आप सब जानते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से ही जो MLA होते हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा उसी के साथ सारी चाहे वो हमारा प्रदेश नेतृत्व है वो सब पूरी तरीके से अपनी मजबूती के साथ सबको साथ लेकर एक मंच पर इकट्ठे होकर इन कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और आने वाले समय में हम माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ रहे हैं।